أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسس هم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين یہ دیکھئے جوز نمبر فور سورة آل عمران आयत नंबर 173 है, 174 और 175, आ, आ, एक एक और 175, शुरू की देखिए एक सौ तिरहत्तर अल्लाह जीना क्वालुमन्नासु अल्ला जीना अल्लाह अल्ला अल्ला पे देखिये तशदीद है और फिर कौल काफ मोटा पढ़ जाएगा क्वालु मुन्नासु नून के ऊपर तशदीद है नासु लहुमुन्नासु इन्ननास देखिए नून पे भी तशदीद है और आगे जो अगला नास वाला नून है उस पर भी दोनों पे तशदीद है दोनों पे अक्मल गुन्ना होगा कद जमाउ काफ मोटा दाल पे कलकला होगा कद जमाउ जमाउ आइन को हलक से पढ़िएगा आइन को दो हरकत खींचा जाएगा लकुम यहाँ पे रुक जाइए निशान लगाइए फिर आगे पढ़िए खा खा को खराश के साथ जमाओ के साथ इधर कलकला नहीं करना वावेलीन है शव फजाद हम ईमाना यहाँ पर हम रुकते हैं अगर तो ये ईमानन जो है ईमाना मत की तरह दो हरकत खींचेगा ये मध्य इवध है वू दोनों का लू कौ और लू दोनों दो दो हरकत खींचेंगे हस्बुनल्लाहु अल्लाह के नाम ना में लम को इस्म जलालह किया जाएगा वनि अमल वकील इसमें ऐन को जमाओ के साथ पढ़ा जाएगा ठीक है अगली आयत देखिए 174 फ कलब यहाँ पे इखफा हकीकी हुआ गुल्ला कौन सा हुआ कामिला दूसरे दर्जे का फ कलब काफ को मोटा फ इस तरह से आवाज थोड़ी नाक में जाएगी इखफा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद काफ है और काफ मोटा होता है इसलिए यहाँ पर इखफा भी थोड़ा मोटा मोटी आवाज के साथ होगा फ इस तरह से ना फ कलाबू भू को दो हरकत खींचेंगे बि نعمتिम मिनल्ला बि इनको जमा होकर साथ तिम ये जो तिम इसमें देखिए तिम के अंदर गुन्ना है और ये इदगाम शफवी हो रहा है यहां पे मिनल्लाही इसमें अल्लाह के लाम को नाम के अंदर जो लाम है उसको इसम जलाला किया जाएगा वफद लिलम फद इधर जमाओ के साथ करना है दौत को मोटा करेंगे फद फद ठीक है फा को नहीं मोटा करना दौत को फद लिलम लम, लम यमसस हम सु यहाँ पे मैं रुकी हूँ ना तो मैंने दोबारा ये आपको करके दिखाया इसलिए कि यहाँ पे सु यहाँ पे हम रुके हैं तो हमने आवाज के अंदर हमजा को दिखाना है देखिए पहली दफा मैं जब रुकी ना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं आवाज में हमजा को वाजे नहीं कर सकी तो मैंने फिर दोबारा किया लम यम सस ऐसे सो ना इसका मतलब है कि सू पे हम रुके और हमने हमजा की आवाज को दिखाया और अगर हम मिला के पढ़ेंगे लम यम सुम सु तो पे ना खेस क्यों रहे वाव वाह भी और ऊपर मद भी है सो ओम अगर मिलाएंगे तो ओम हो जाएगा यहाँ पे इदغام हो जाएगा और गुन्ना हो जाएगा ना सो ओम लेकिन रुक जाइए तो आ, आगे से व तबऊ से अगर पढ़ें व तबऊ अन ऐन पेश ऊ वाव मता के साथ है दो हरकत खींचेगा रिद व रिद द्वाद मोटा जमाऊ के साथ रिद व न अल्लाह का नाम के अंदर लाम मोटा पढ़ा जाएंगे रिद व न अल्लाह आखिर में हाथी आवाज आपके गले में आनी चाहिए व लहु मोटा

खड़ी जबर है जो एक हरक़त खींची दो हरकत खींची जाती है अलिफ के बराबर पढ़ी जाती है मुश्ईन या, या है शई तो तो को मोटा भी करेंगे और एक हरकत लंबा दो हरकत अलिफ के बराबर दो हरकत लंबा भी करेंगे जालिको मुश्ई तो नू शई एक हरकत नू यु खुख को गली से पढ़ेंगे खराश के साथ यू खु अवलिया यहाँ पे देखिए शायद यहाँ पे मैंने दोबारा करके दिखाया क्योंकि आ, मुझे लगता है कि यहाँ में रुकते हुए ऐसे ऐसी महसूस कर रही थी कि आ, इसका हक अदा नहीं हुआ तो यह मैंने दोबारा किया क्योंकि हमजा जबर आ आगे हा भी हा पे उल्टा हापेश वो भी है ना तो उल्टा पेश नहीं पड़ेंगे हा को दिखाएंगे अवलिया इस तरह के आपके गले में हा भी दिखाई दे हा तक आके रोकेंगे हम

इन, कु, तुम यहाँ पे नोन देखे यहाँ पे नोन सा नोन साकिन के बाद काफ आ रहा है तो यहाँ पे इकबा हुआ इन, ये जो आवाज़ है ना आधी नाक में चली जाती है इकबा हकीकी उसके साथ कौन सा होता है गुन्ना एक कामिला फिर देखिए कौन कु, सीधा कौन नहीं मैंने कहा कौन थोड़ा गुन्ना भी किया और इकबा भी किया ठीक है अम तुम, तुम ये जो तुम है ना मीम साकिन के बाद आगे मीम मुशद यहाँ अकमल गुन्ना होगा यहाँ ज्यादा देर आवाज को नाक में छुपाना है पीछे कौन सा हुआ दोनों पे अक्फा भी हुआ और गुन्ना गुना काबिला का। जो तुम है यहाँ पर आकर ईदगाह शफवी हुआ इदगाम शफवी गुन्ना अकमल ठीक है ये दोबारा आपको मैंने बता दिया इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इनशाला नेक्स्ट क्लास में तफसीर की क्लास में चलते हैं सुबह नम देख नश्ल